खबर हवाला कारोबार के खुलासे के सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिद्धि सिद्धि बुलियन लिमिटेड के एमडी पृथ्वीराज कोठारी हवाला कारोबारी हैं। कोठारी के करीब 50 ठिकानों पर मुंबई आयकर विभाग के छापों में जो दस्तावेज बरामद मिले हैं उनसे ये शक पुख्ता होने लगा है। 2 दिन के छापों में 10 करोड़ की नकदी बरामद हो चुकी है, जबकि 3 साल में 2000 करोड़ के लेन देन का भी खुलासा हो रहा है। पृथ्वीराज कोठारी मुंबई की एक बड़ी बुलियन कंपनी रिद्धि सिद्धि बुलियन लिमिटेड के एमडी, मुंबई आयकर विभाग से भागते फिर रहे कोठारी कथित हवाला कारोबार और स्पॉट फिक्सिंग के पैसे के लेन देन को लेकर आरोपों के घेरे में है। आयकर विभाग के करीब 300 अधिकारी पिछले 2 दिनों से कोठारी के ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। अब तक की छापेमारी में मुंबई आयकर विभाग को कोठारी के कमाठीपुरा के दफ्तर से करीब 10 करोड़ रुपए नकद मिला है। कैश दफ्तर के बेसमेंट में छिपा कर रखा गया था। 3 साल में 2000 करोड़ के हवाला लेन देन का खुलासा। ये दस्तावेज और बैंक स्टेटमेंट स्वास्तिक इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी का है। आरोप है रिद्धि सिद्धि बुलियन लिमिटेड और हुंडई एक्सपोर्ट्स ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी, जिसका मकसद था आयात निर्यात के बोगस बिल बनाना और पृथ्वीराज कोठारी और उनके साथी सुरेश हुंडई के कहने पर हवाला का लेन देन मैनेज करना। 8 मई 2005 से लेकर 21 जनवरी 2008 तक का यह स्टेटमेंट बताता है कि इस खाते से करीब 1912 करोड़ का लेन देन किया गया। लेन देन रिद्धि सिद्धि बुलियन लिमिटेड, हुंडई लिमिटेड और लाभ कमोडिटीज नाम की कंपनियों ने किया था। शक है कि सारा लेन देन हवाले के जरिए हुआ। उधर अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का रिद्धि सिद्धि ने खंडन किया है। आज तक ने जब पृथ्वीराज कोठारी को उनके बैंक खातों पर सवाल भेजा तो जवाब आया, इस वक्त इस मसले पर कोई टिप्पणी नहीं दे पाएंगे। एक बार जब मामला सुलझ जाएगा तो सारे तथ्य और आंकड़े आपके सामने होंगे। हमें गलत मत समझिए, हम आयकर विभाग को पूरी मदद देने के लिए बेहद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पृथ्वीराज कोठारी की कंपनी रिद्धि सिद्धि बुलियंस लिमिटेड का कुल टर्नओवर करीब 30,000 करोड़ का है। आयकर विभाग की माने तो इस पूरे टर्नओवर का 80% हिस्सा हवाला का है। आज तक के हाथ लगे जो दस्तावेज है वो भी इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि पृथ्वीराज कोठारी न सिर्फ एक बड़ा बुलियन ट्रेडर है बल्कि इस देश का एक बड़ा हवाला ऑपरेटर भी बन चुका है। कैमरा पर्सन मंगेश सावंत के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई आज तक।